हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यू व्लॉग में। तो जी, दिन है संडे का। जैसा कि आपको बताया था मैंने, आज हमारी दीदी जो है ना भात नोतने आ रही है, तो घर में जो है उसी की तैयारी चल रही है और यहाँ पर जो है ना डेकोरेशन भी हो रही है अभी। और हमारे शेफ जो है किचन में आ चुके हैं और यहाँ पर जो है ये बना रहे हैं वेज खाना, और नॉन वेज खाना जो है वो हमने बाहर से जो है ऑर्डर कर दिया है। तो चलिए जी, आपको तैयारी दिखाती हूँ। ठंड क्या लग रही है, ठंड तो है ही। हाँ, तो दोस्तों अभी जो है ना दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और जो हमें अपने घर की पूजा करनी है ना वो भी पूजा हो चुकी है। पूजा शुरुआत हो रहा, 5 बजे तक आ जाएगी सरोज। हाँ। जो है अपने बोल जाना, 3:30 बजे करीब चले जाना। तो मम्मी कह रही है जो हमारे यहाँ आसपास जो हमारे जितने भी रिश्तेदार रहते हैं ना, तो उनको बोल कर आ जाएंगे दीदी और मैं जाके कि दीदी भात नोतने आ रही है। हाँ, तो फिर जो है हम जब दीदी आ जाएगी तो जब हम सब जो है दीदी को लेकर आएंगे वहाँ। तो चलिए जी, अब जो है तैयारी चल रही है, तैयारी भी दिखा देती हूँ आपको। तो जी, आपको दिखा देते हैं क्या क्या तैयारी शुरू हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना गद्दे आ गए हैं और चेयर्स आ रही हैं और टेबल्स आ रही हैं, तो ये सब आ रहे हैं। और बाकी जो है यहाँ पर डेकोरेशन वाले भैया जो हैं आ गए हैं, और इस बार जो है ना हमने बैलून्स का कलर जो बताया है वो भैया को बताया है, रेड और वाइट और गोल्डन। तो 3 कलर के जो है ना बैलून्स बताए हैं भैया को डेकोरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर जो है भैया अपना काम करेंगे और बाकी जो है ना यहाँ पर चेयर्स वगैरह जो है टेबल हैं वो लगेंगी हॉल में, और मम्मी और शहरी जो है ना दोनों हॉल में आ गए हैं ये भी। जाएगी ऊपर वाले को भी खाली तो करो, ये भैया भी करेंगे ना, इनको कर लेंगे डेकोरेशन। बच्चे बड़े सभी जो है काम पे लगे हुए हैं, और अब जो है गुड्डू लेकर जा रही है सलाद, और सब मिलके जो है काटेंगे सलाद। चक्कू इस वाली किचन में चले जाओ, जो तार निकले होते छिलका और नीला वाला चक्कू। आ रही हूँ मैं अभी, चलो काटेगी। और पिछली बार क्या हुआ था, बच्चों ने जो है सबने जो है सलाद काट के रख दी थी और देने के टाइम पे है भूल गए थे। सलाद दिया। हाँ, और अभी जो है ना बच्चे नहाए नहीं है, शहरी नहा ली है, और अभी शहरी के बालों में जो है मैं प्रेसिंग करूंगी। और जी यहाँ पर जो है ना कॉफी के लिए जो है दूध भी आ चुका है, और सुबह जो है भैया लेकर आ गए थे, और बस जो है कॉफी वालों को जो है ना अभी दूध उबाल के देना है जब वो बनाएंगे कॉफी का। देखो आरव भैया काम कर रहे हैं, दीदी तो फ्री बैठी है, आरव भी आ चुका है, भैया के पास जाना है इसको अपने पास। यहाँ पर जो है गद्दे भी आ चुके हैं क्योंकि शाम को जो है ना महिला संगीत होगा, तो उसके लिए जो है यहाँ गद्दे भी आ गए हैं। सबको जो है ना बोल कर आ चुके हैं, और बस अब फटाफट से तैयार हो जाती हूँ और मिलती हूँ आपको तैयार होने के बाद। और दोस्तों शाम के टाइम हो रहा 4:30, और मैं भी तैयार हो चुका हूँ, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, और मेरी सिस्टर आने वाली है कुछ ही देर में, 5 मिनट में आने वाली है बस, और आपको दिखाते सब तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। और देखो शहरी भी तैयार हो गई है, और शहरी वेट कर रही है अपनी बुआ का। शहरी बुआ आने वाली है, बस 5 मिनट में आने वाली है। अच्छा, दिखाएगा मैं कैसी बनी। बहुत बुरी लग रही है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, वैसे तो मैंने खाली गाउन पहन रखा था, और ठंड इतनी हो रही था, मैंने थोड़ा सा ये शॉल भी ले लिया, और कसम से शॉल इसके साथ देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये वाइट ब्लैक, और ऊपर जो अभी कोई भी तैयार नहीं हुआ है, कोई भी नहीं हुआ। और जैसे मेरे को पता चला कि बुआ आने वाली है और बस 10 मिनट में, और बुआ जो हमारा वेट कर रही है, हम जल्दी से आते हैं, बुआ को लेके आते हैं और बुआ का स्वागत करते हैं, और मैं नाचती हूँ मेरे ढोल पर। बस मैंने हील वाले बूट पहन रखे हैं, मैं गिर ना जाऊं। तो पापा भी तैयार हो गए, चलो Thank you.
तो जी यहाँ पर जो है नाश्ता भी तैयार हो चुका है और बस जो है सबको नाश्ता करा देते हैं। तो जी यहाँ पर जो है ना सभी का जो है नाश्ता हो चुका है और अब जो होगा यहाँ पर होगा महिला संगीत। तो उसी के लिए जो है ना हॉल में जो है गद्दे बिछाए जा रहे हैं और यहीं पर बैठ के जो है ना महिला संगीत होगा। जी भात नोतने के लिए दीदी आ गई है घर पर और अभी जो है बस चाय नाश्ता कराया है उनको और अब होगा महिला संगीत। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है ना मैं यहीं पर कर देती हूँ है एंड और इस वीडियो को जो है मैं पार्ट वन और पार्ट टू में लेकर आऊँगी क्योंकि वीडियो जो है ना काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है इसको मैं दो भागों में कर रही हूँ। और आई होप आप सभी ने जो है ना काफ़ी इन्जॉय किया होगा और पार्ट टू में भी जो है ना आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे। तो जी अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा और जो चैनल पर न्यू है ना वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए।